वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मास्टर एमएसटी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके पास कैनन का कोई भी इंटेक प्रिंटर हो जहाँ पे आप लोग पासपोर्ट फोटो निकालने के बाद आपका फोटो क्वालिटी बहुत ही खराब आ जाता है, क्यों आता है मैं यहाँ पे फुल डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करके रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए, तो मेन बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मैं, आपके पास कोई भी इंटेक प्रिंटर हो कैनन का और आपके पास कोई भी फोटो पेपर हो, चाहे कोडक हो चाहे फुल कलर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो भी फोटो पेपर हो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बेटर क्वालिटी का आप लोग फोटो प्रिंट कैसे करते हो। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो जाता है, आप प्रिंट प्रॉपर्टीज को ठीक से फॉलो नहीं करते, जहाँ पे आपको जो पेपर का साइज है, पेपर कौन सी मोड में है, आपको उसको सिलेक्ट ठीक तरह से करना होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, तो वीडियो को एकदम स्किप ना करके पूरा वीडियो। तो चलिए, तो पहले मैं फोटोशॉप में चला जाता हूँ, उसके बाद कोई भी मैं फोटो में यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू, जिस तरह से आप लोग न्यू को न्यू फाइल नहीं लेते, उस तरह से आपको न्यू फाइल ले लेना है और पेपर आपको A4 सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, फोटो को ठीक से कर लेता हूँ। इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी फोटो को। अभी आपको प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया पर आपको क्लिक कर देना है, तो फोटो ठीक से एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आएगा, अभी यहाँ पे आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कैनन का और प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर फोटो पेपर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग गलती कर बैठते हो, ठीक है। आपको फोटो पेपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे A4 कर देना है, पेज प्रिंट क्वालिटी आपको हाई कर देना है, ठीक है। इस कर देने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फोटो अच्छी तरह से प्रिंट होगा, आप लोग देख पाओगे यहाँ से आपका बेटर क्वालिटी फ़ोटो पेपर यहाँ से निकल जाएंगे। आप लोग क्या करते हो, फोटो पेपर को सिलेक्ट नहीं करते हो और प्रिंट कर देते हो, उसके बाद इस तरह से आप लोग फोटो पेपर को यहाँ पर भर देना और प्रिंट कर देना, बहुत ही ज़्यादा प्रिंट अच्छा आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा और यहाँ पे मेन बात होता है, आप लोग क्या करते हो, जो फोटो पेपर को ठीक से सिलेक्ट नहीं करते हो और प्लेन पेपर के अंदर आप लोग उसको बाय डिफॉल्ट रख देते हो और प्रिंट कर देते हो, तब क्या होता है, आपको फोटो पेपर में वो लोग जो प्रिंटर का जो फार्मर होता है वो कंप्यूटर को बताता है ये जेरोक्स पेपर है, इस जेरोक्स पेपर के अंदर जितना काली प्राप्त है उसमें डाल दीजिए, बट आपको सिंपली वहाँ पर फोटो पेपर सेलेक्ट कर देना है या डायरेक्टली प्रिंट कर देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके देखिए।